सो है गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 29 फरवरी और कल जाना है हमें इंदौर, क्योंकि इंक्वायरी करनी है कि मुझे बीबीए के लिए एडमिशन चाहिए। तो जाएंगे अभी, ठीक है। एंड क्या सीन रहता है, क्या होता है, तो देखते हैं कल। आज सारी मैम्स से बात हो चुकी है एंड अभी कल देख के बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। कुछ नहीं, ब्लॉग तो बनते रहेंगे, छोटे 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 ही ब्लॉग होते हैं हमारे। कल का बहुत बड़ा है, 13 मिनट का, वो मैं 2 दिन में शूट किया, कल डाला। तो आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि टाइम मुझे काम भी बहुत है, बट मैं काम नहीं दिखाता हूँ। आज मैं जलगांव जाने वाला था लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मैम ने बोला डॉक्यूमेंट और लग रहा है, आधार कार्ड पैन कार्ड, तो सब मैं देने वाला हूँ उनको अभी डॉक्यूमेंट, और पेमेंट भी करना है। कुछ तो इशू हो रहा है, फैमिली इशू है, तो रिजॉल्व करने में घर आया हूँ। वैसे तो मैं रावेर गया था, जलगांव जा रहा था, बट वो कैंसिल कर दिया मैंने। मैंने दिमाग चला, पहली बार कैंसिल किया भाई, ऐसे नहीं तो गया हूँ तो वापस गया ही हूँ मैं, मतलब वापस आया नहीं कभी। तो ये कटिंग मैंने की क्योंकि बहुत गंदी हो रखी थी, सिर्फ घटिया सी कर रखी थी भाई ने, अभी अच्छे से कर दी गुरु रंधावा जैसी। मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे वहाँ अच्छे से कर दे, उसने कर दी। ये टू साइड नहीं है, सोलूप है, जैसे रॉ कट, क्रॉप कट बोलते पीछे दादिया बेटी। एंड भी देखते हैं क्या होता है। धूप हो चुकी है गाइस, समर लग चुका है, और हर टाइम को समर में ही जाना पड़ता है एडमिशन लेने को, कोई भी हो। वो बोलते हैं ना समर वेकेशन, कोई कोई हॉस्टल में जाता है, कोई बाहर जाता है, कोई स्विमिंग क्लास लगता है। तो गाइस सीखते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि यही किया है तो हम भी वही करेंगे, सीखते रहो। अपनी आगे की जनरेशन के लिए, अपने आगे की जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए सीखो भाई, जनरेशन के लिए सीखो, खुद के लिए सीखो, बड़ा बनो। अच्छा, पुअर पीपल के नहीं, पुअर पीपल की तरह नहीं, रिच पीपल की तरह सोचो। सोच के तो देखो, सब बदल जाएगा। सब छोड़ दो टाइम पास, वाइम पास, रील्स में कुछ नहीं रखा, खुद वीडियो बनाओ। जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं किसी के नहीं देखता, मैं इंस्टा पे 5-10 मिनट वो देखता हूँ जो उस पर इंग्लिश सॉन्ग होता है ना, वही स्क्रॉल करता रहता हूँ एंड एक स्टोरी लगा देता हूँ अच्छे से। बट किसी की रील स्टोरी शॉर्ट देखने से फ़ायदा नहीं होता। मैं अच्छे से ट्रैवल ब्लॉग देखता हूँ और उस पर काम करता हूँ जितना मुझसे हो पाता है। मैं अच्छे से ट्राई करता हूँ कि ब्लॉग मेरा अच्छा बने। अभी मैं कल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, हवा मार दी उसने, गरम एयर, क्या बोलते उसको पता नहीं, बट व्हाटएवर, समझ लेना गाइस। मैं बस में पहुंच चुका हूँ, अभी बहुत हिल रही है, कोई नहीं इधर, लिटरली इतनी हिल रही ना। गाइस अभी थोड़ा टाइम का ब्रेक हुआ था एंड मैं खा रहा हूँ चिप्स, और अभी जाएंगे सीधा बरहमपुर के आगे हम। गाइस आई होप आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं अभी खाने के लिए रुका हूँ क्योंकि बस भी रुकी है 20 मिनट, और हमारे कंडक्टर और ड्राइवर साहब खाना खा रहे हैं, पता नहीं कौन सा काम है, बट आई विल कम फर्स्ट टाइम इन दिस। और मैंने दो दो शर्ट पहन रखे क्योंकि एक को एक दूसरा सिक्योर कर रहा है। लिटरली बहुत भूख लग रही है और अभी तो बहुत दूर जाना है, देखते अभी छोटा छोटा खा रहे हम। सो गाइस आई एम वेटिंग हियर पटेल ढाबा रायपुर, लेट्स चेक हाउ मेनी टाइम्स आई स्पेंड हियर। So keep watching. Bye bye. Good night. So bus अभी चल पड़ी है, देखते हैं।
किसी ने लाइट ऑन कर रखा है, वो भी बंद नहीं कर रहे. आई डोंट नो वेयर इज दिस स्विच. गाइस किसी ने स्विच बंद कर दिया. लेट्स गो. मैं पहुंच चुका हूँ इंदौर. वेलकम टू इंदौर. बहुत बड़ी बड़ी यार गाड़ी है भाई, क्या जोर जोर से. अच्छा सा ठंडी भी नहीं है तो अच्छा है. और मैं भी फिर भी डबल स्विच डबल शर्ट पहन के जा रहा हूँ. अभी चेंजिंग रूम देखना चाहिए थोड़ा फ्रेश होने के लिए. फ्रेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, लेकिन ये बदलना है बस, निकालना है इसके अंदर एक अच्छा वाला है. तो अभी देखते हैं डीप नाम नहीं बताऊँगा, स्पॉन्सर हो जाएगा. तो कहाँ पे जाना है मुझे पता है, लेकिन जल्दी से चलते कहीं पे जहाँ पे फ्रेश लगे. तो गाइस ये है कुछ ऐसी सिटी. ना क्लीन प्लेस मैंने कभी नहीं देखा गाइस, लिटरली सो क्लीन दिस प्लेस नाउ. दिस इज इंदौर. नाइस. ये देखो भाई क्या है, रास्ते पे जाते जाते मुझे मस्त करीब लाइटिंग दिखी. तो मैं बस चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ आधे घंटे से. दिख रहा है कुछ डिप्लाय, पहुँच गए भाई डेस्टिनेशन पे. लेट्स गो. तो गाइस मैं एक दुकान के पास बैठा हूँ, इसका नाम पता नहीं दिया रही. और मैं इधर 8-9 बजे तक बैठने वाला हूँ, बिकॉज ये दुकान है सब 10-9 बजे खुलती है. तो तब तक हम वेट करेंगे यहाँ पे. एंड मैम को फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि सब सोए हुए अभी भी. 6 बजे ना, हाँ तो 6 बजे. लेकिन देखते अभी मैं ना वॉच पहन लेता हूँ, अच्छा होगा. बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे. देखो जैकेट लगी किसी की, डबल साइलेंसर. 6:45 और हमें और 2 घंटे वेट करना है, 2 या 1.5 घंटा. क्योंकि 8 बजे यहाँ पे, 8 या 9 बजे यहाँ पे, परफेक्ट नहीं पता, लेकिन 8-9 बजे आएंगे यहाँ पे. ठीक है. तो भाई ये दाना चुभ रहे हैं, पकड़ लो इसको, पकड़ लो. और अभी मैम आने वाले, बच्चे भी आने वाले मैम ने कहा. तो हम ये 100 मीटर है इतना, इसके 10 राउंड मार लिए. मतलब होगा 1-3 किलोमीटर होगा. 100 मीटर के 10 राउंड मतलब पता नहीं यार, कर लो तुम. ये खंबा दिख रहा है, यहाँ से लेती है इतना. यस चेक करो गाइस. तो अभी मेडिकल में फार्मेसी में, क्योंकि मुझे जिस बस में आया तो वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, इसलिए बहुत हिलती रहा हूँ. गाइस मैं क्लास में पहुँच चुका हूँ एंड मास्क इसके लगाया है क्योंकि कुछ अलग सा फील हो रहा है. इसलिए अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल अलाउन हूँ. साफ सफाई चल रही है, कर्मचारी काम करे अपना, मेरा काम कर रहा हूँ. ऐसा मेरा क्लास रहने वाला है. मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बैठ जाओ क्या. एडमिशन हो चुकी है, डन. चलते कुछ खाते यार. हमारे अच्छी मैम ने, रिया मैम ने मुझे यहाँ पे बिठाया है. सो थैंकफुल टू हिम एंड यू नो अबाउट इट, आई नो अबाउट ऑल मैम. सो थैंकफुल जो रेस्ट करने के लिए जगह दी, कुछ काम हो रहा है यहाँ पे. अभी कैंटीन में रुका हूँ और खा रहा हूँ. So guys, this is view of my Calvary. So guys, we are going now Nawlaka bus stop. Guys, मैं आज पहुंच चुका हूँ मेरे गांव को, सागर को, और भी बस से मैं जाऊँगा. तो ये हमारे बारिश वजह से कुछ ऐसा मौसम है.